नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग लगातार कमेंट कर रहे थे क्योंकि इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए एक ट्रिक लगती है, तभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एडमिट कार्ड आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों एडमिट कार्ड आपको मिलेगा rozgarrizult.com पर। जी हाँ दोस्तों, पुरानी ट्रस्टेबल वेबसाइट rozgarrizult.com। आप इस वेबसाइट की मदद से रिज्यूम, CV, फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, फोटो पर डेट लिख सकते हैं। जैसा कि आजकल SSC कांस्टेबल के फॉर्म पर फोटो पर डेट मांगा है, तो आप इस साइट की मदद से ऑनलाइन लिख सकते हैं। आपको एक बार वेबसाइट बता देता हूँ, फिर हम सीधे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो दोस्तों एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है sarkaririzult.com। दोस्तों ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पुरानी वेबसाइट है। गूगल पर जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिए लास्ट में .com जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी फेक वेबसाइटें आ गई हैं। इसलिए लोगो चेक कीजिए और .com जरूर चेक कीजिए। अगर आपके मोबाइल पर भी खुली हो तो तुरंत चेक कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाना है। एडमिट कार्ड जैसे ही सेक्शन पर आप जाएंगे, आपको नीचे आ जाना है। आपको बता दें इसकी जो एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक बीच है, और एडमिट कार्ड इसका उपलब्ध हो चुका है। लेकिन एडमिट कार्ड जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए दो एडमिट कार्ड में आपको दो लिंक दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है कैंडिडेट लॉगिन, एक दिख रहा है जनरेट एडमिट कार्ड आफ्टर लॉगिन। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। तो मैं लॉगिन करता हूँ। दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप इस पूरे पेज में अगर देखेंगे तो कहीं भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसी की ये टेक्निक है कि हरियाणा का एडमिट कार्ड लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो क्लर्क का जो फॉर्म आया था उसमें भी एडमिट कार्ड जो है ऐसे ही जो है डाउनलोड हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे हम उसको लॉगिन छोड़ देते हैं, वापस चलते हैं sarkaririzult.com या तो rozgarrizult.com पर। दोस्तों उसको लॉगिन खुले रहेंगे और दूसरे टैब में हम इसको खोलेंगे, वहां से लॉग आउट मत कीजिएगा, लॉगिन रहने दीजिएगा। अब दोस्तों आपको इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जनरेट एडमिट कार्ड। दोस्तों पहले आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना है, लॉगिन करने के बाद आपको इस सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, जनरेट एडमिट कार्ड आफ्टर लॉगिन यहाँ लिखा हुआ। तब हम इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे हम लॉगिन करेंगे आप देख सकते हैं सारी जानकारी आपकी खुल के आ जाएगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपकी फ़ोटो, यहाँ सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं इसको मार करके दिखा रहा हूँ, तो नीचे आपको आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो दिखाई दे जाएगी, आपको परीक्षा का टाइमिंग है, एंट्री गेट है, और आपका कहाँ पे वेन्यू गया है वो भी आपको नीचे दिख जाएगा। और अगर हम उसके और नीचे देखेंगे तो जो आपने फ़ोटो लगाई है वही सेम फ़ोटो आपको यहाँ पर लगानी है, और उसी तरह सेम सिग्नेचर करना है। नीचे एग्ज़ाम का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो टोटल इसमें 20 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जिसको कि अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बन जाएगी 10 से 15 मिनट की। तो मैं आपको बता दूं उसमें सारे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको यही सब है जो आपके नॉर्मल सभी एग्जाम में रहते हैं। भारत सरकार की जो कोविड की गाइडलाइन है उसको भी आपको फॉलो करना है, और इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि जो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के सेंटर है वो सब CCTV कैमरा है, सिक्योरिंग है, QR कोड है, बिल्कुल ही अत्याधुनिक तरीके से इसका पेपर हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसका एडमिट कार्ड निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है पहले लॉगिन करना है, फिर जनरेट एडमिट कार्ड वाले पे क्लिक करना है। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।